हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, यानी अनावसानी अवर्त दशमलव को भिन्न में बदले। दोस्तों, हम लोग इसको सीखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, यानी 3.12 यानी 23 पे जो रिकरिंग है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी इसका मतलब जो होता है वह होता है 3.1233, क्योंकि रेकरिंग जो है वो हमको बताता है कि वह संख्या बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। यानी 2323 यहाँ जो क्या है वह बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने का जो नियम है, तरीका है, जो संख्या है उसको उसी फॉर्म में लिख देंगे, 3 1 2 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस कौन करेंगे, तो जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किस किस संख्या पे नहीं, टोटल संख्या पे, तो माइनस 31 पे रेकरिंग नहीं, तो 31 बाय डेसिमल के बाद रेकरिंग कितना संख्या पे है, तो दो संख्या पे रेकरिंग है, जितना संख्या पे रेकरिंग होगा उतना 9 लिखेंगे, दो संख्या पे तो 2 9। डेसिमल के बाद डेसिमल जो है, ये डेसिमल जो है, इसके बाद कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 0 देंगे। ठीक है, कितना 0 देंगे, 1 0 देंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, 3123 में से 31 को घटा लेंगे। जब इसको घटाएंगे तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, तो घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 2। 2 में से 3 जाएगा नहीं, कैरी लेगा, तो 12 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 9। इसके पास कितना बचा, 0, यानी इसके पास 1 है तो उसको कैरी दिया तो क्या बचा, 0, और आगे क्या आ जाएगा, 3, यानी 3092 बाई कितना हो जाएगा, 990। यही मेरा क्या आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मेरा सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि 4.53, यानी 4.53 यानी कहाँ पे रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग है, यानी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4.5333, और यह संख्या क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि जो संख्या उसको उसी फॉर्म में लिखना है, यानी 4.53 तो 4.53 माइनस कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो दो संख्या यानी 4.5 पे रेकरिंग नहीं, तो 4 जिस पे रेकरिंग नहीं हुआ उसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे बाय कितना पे रेकरिंग है, तो 1 पे रेकरिंग, 1 9। कितना डेसिमल के बाद कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो एक संख्या पे रेकरिंग नहीं, तो 1 0, और इसको जब हम सबट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 में से 5 गया तो 8, और 4 में से 4 गया तो 0, और इसके बाद क्या जाएगा, 4 यानी 4 0 8 बाई कितना हो जाएगा, 90। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 0.59 पे रेकरिंग है, यानी किस पे रेकरिंग है, 9 पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.5999... इसको बनाने का क्या है कि जो फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी 59 तो 59 किस पे रेकरिंग नहीं है, जितना पे रेकरिंग नहीं उसको घटा देंगे, यानी -5 बाय कितना संख्या पर रेकरिंग है, एक संख्या पर रेकरिंग, तो 9 कितना हो जाएगा, 1, यानी जितना संख्या पर रेकरिंग होगा बटा उतना 9 होगा, डेसिमल के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 होगा, यानी डेसिमल के बाद कितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है, नहीं है, याद रखना है, रेकरिंग नहीं है, तो एक संख्या पर रेकरिंग नहीं, तो 1 0 हो जाएगा, और इसका आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 54 बाई क्या हो जाएगा, 90। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन जो है वह है 3.4678, यानी 78 पे रेकरिंग है, यानी 78 जो क्या है वह बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, यानी 3.4678 78 यह क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। इसको कैसे बनाएंगे कि जिस जो संख्या उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3 4 6 7 8 माइनस क्या करेंगे, जिस रेकरिंग जिस पे नहीं है, तो रेकरिंग किस पे नहीं है, 3 4 6 पे रेकरिंग नहीं, तो रेकरिंग नहीं बाय। अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे कितना पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग है, तो 2 9। अब डेसिमल के बाद कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो दो संख्या पे रेकरिंग नहीं, तो 2 0, और इसको अब घटा लेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो कितना मेरा बचेगा, 2 2। 7 में से 4 गया तो कितना, 3, और 6 में से 3 गया तो कितना, 3, और 4, और क्या हो जाएगा, 3 बाय कितना हो जाएगा, 9 9 0 0। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
1.6154, रिकरिंग कहाँ पे, 54 पे, यानी 54 क्या होगा, बार बार क्या हो जाएगा, रिपीट होगा, यानी 545454 डॉट 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 डॉट। इसको कैसे बनाएंगे, जो संख्या उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, 16154, कितना संख्या पर रिकरिंग नहीं है, तो 161 पे रिकरिंग नहीं है, बाय कितना पर रिकरिंग है, तो दो संख्या पर रिकरिंग है, तो 29, डेसिमल के बाद कितना संख्या पर रिकरिंग नहीं है, तो दो संख्या पर रिकरिंग नहीं है, तो 00। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम तो लोग हम क्या इसको करेंगे, घटा लेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 1 गया तो सॉरी 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 3, 5 में 6 नहीं है कैरी लगा, 15, 15 में 6 गया तो 9, इसके बाद क्या है, 0, 0 में से 1 गया नहीं, तो इसको कैरी लगा 10, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 5, 1, बाय कितना हो जाएगा, 9900, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं दोस्तों कि सारी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।